नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस शिवरात्रि 59 साल बाद महासंयोग, और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो देखिए, शिवरात्रि अपने आप में बहुत सारे पवित्र संयोग लेकर के आती है, और शिवरात्रि में बहुत सारे ऐसे संयोग बन जाते हैं जिन संयोगों की वजह से व्यक्ति के जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन इस बार की शिवरात्रि पर 6 गजब के संयोग बने हैं और 7वां एक महासंयोग बना है। यानी इस बार की शिवरात्रि पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7-7 महासंयोग बने हुए हैं जो इस शिवरात्रि को बहुत खास बना रहे हैं, बहुत अनूठा बना रहे हैं। क्या है शिवरात्रि का ये पूरा मामला, और वो 7 महासंयोग कौन से हैं, और 59 साल के बाद कौन सा संयोग बना है, इसका पूरा चक्कर क्या है, इस विषय पर बात करते हैं। अब हम अगर संयोगों की बात करें तो ये संयोग ऐसे हैं जो शिवरात्रि को बहुत ज्यादा मूल्यवान बना रहे हैं। देखिए, वैसे तो शिवरात्रि अपने आप में ही मूल्यवान है, अपने आप में ही पवित्र है। भगवान शिव की तिथि है, भगवान शिव का प्राकट्य इस दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था, इसलिए अपने आप में एक बहुत खास मौका है, बड़ा पावन मौका है। लेकिन अगर उस पावन मौके के साथ आपको महासंयोगों का वरदान मिल जाए तो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों के दूर होने का रास्ता निकल आता है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7-7 महासंयोग इस बार की शिवरात्रि से जुड़े हुए हैं। चलिए पहले महासंयोग को जानते हैं। पहला महासंयोग है चतुर्दशी तिथि का महासंयोग। देखिए, चतुर्दशी तिथि को ही शिवरात्रि मनाई जाती है, और ये जाने रहिए कि चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं शिव हैं। 1 से लेके 15 तक की जो अलग अलग तिथियां होती हैं, उनके अलग अलग देवता या देवी होती हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं शिव माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा से अमृत निकलता है, उस अमृत का पान स्वयं शिव करते हैं। चतुर्दशी की जो तिथि है, ये चंद्रमा के जन्म की तिथि भी मानी जाती है। माना जाता है कि चंद्रमा पहली बार जो प्रकट हुए थे, वो तिथि चतुर्दशी की तिथि है। इसलिए शिवरात्रि जब चतुर्दशी तिथि को आ रही है या आती है, तो इसके साथ साथ अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो इससे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप शिव जी की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन चतुर्दशी को शिवरात्रि रखने के पीछे का मतलब यही है कि इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि इस तिथि के स्वामी स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं। तो पहला संयोग है कि शिवरात्रि हर बार की तरह चतुर्दशी तिथि पर पड़ रही है। दूसरा महासंयोग है कि शिवरात्रि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। देखिए, वैसे जो शिवरात्रि है वो शिव पूजन के अलावा बाकी कार्यों के लिए निषिद्ध है, बाकी कार्यों के लिए मना है। शिव पूजन किया जाता है शिवरात्रि के दिन, लेकिन बाकी तिथियों के हिसाब से अगर देखें तो ये खल तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए बाकी शुभ और मंगल कार्य शिवरात्रि पर नहीं किए जा सकते, सिर्फ शिव का पूजन किया जा सकता है। लेकिन इस बार जो शिवरात्रि है वो शुक्रवार की है, इसीलिए शिवरात्रि ज्यादा मंगलकारी हो गई है, और शुक्र का संबंध होता है जीवन में सुख से और वैभव से। अतः इस दिन शिव जी की कृपा से जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति इस बार शिवरात्रि पर हो सकेगी। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत का निवारण हो सकेगा इस बार की शिवरात्रि पर। तीसरे महासंयोग की बात करें। देखिए, बेसिकली जो संयोग होते हैं उनके साथ ज्योतिष के योग भी जुड़े हुए होते हैं, और अगर आप किसी की कुंडली बनाएं, पंचांग देखें, तो पंचांग में हर तिथि का एक योग होता है, और वो योग बताता है कि वो तिथि कितनी ज्यादा शुभ है। अगर इस बार की शिवरात्रि की तिथि की बात करें
तो इस बार की शिवरात्रि की तिथि है वर्यान योग। वर्यान योग में ये शिवरात्रि पड़ रही है जो सिद्धि देने वाली तिथि है। सिद्धि योग नहीं है, सिद्धि देने वाला योग है। योग का जो नाम है वो है वर्यान योग, और वर्यान योग को बड़ा अच्छा और बड़ा मंगलकारी माना जाता है। चूंकि शिवरात्रि 21 तारीख को संध्या काल में शुरू हो रही है, उस समय वर्यान योग है, इसीलिए इसकी महिमा और भी ज्यादा हो गई है। वर्यान योग के बारे में कहते हैं कि ये सिद्धि देने वाला योग है, जिसमें अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो वो विशेष लाभकारी होती है। यानी इस बार की शिवरात्रि पर पूजा करना बहुत जरूरी है ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। और इस बार वर्यान योग में अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए और कुछ करें ना करें, लेकिन इस बार की शिवरात्रि पर वर्यान योग में पूजा उपासना ध्यान जरूर करें। मंत्रों को सिद्ध करने का भी ये उत्तम समय होगा। अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वर्यान योग में इस बार शिवरात्रि पर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और सबसे बेहतर देखिए ये होगा कि इस बार की शिवरात्रि पर संध्या के समय में वर्यान योग में आप नमः शिवाय का जितना ज्यादा जप कर सकें उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चौथा महासंयोग है श्रवण नक्षत्र का। इस बार की शिवरात्रि श्रवण नक्षत्र में पड़ रही है, और श्रवण नक्षत्र की खासियत क्या है? इस नक्षत्र का स्वामी स्वयं चंद्र है, और शिव जी का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? चंद्र के साथ। विदुशेखर कहा जाता है उन्हें, चंद्रशेखर। इसके मस्तक पर चंद्रमा हो वो शिव है, तो शिव का डायरेक्ट कनेक्शन है चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा के नक्षत्र में ही शिवरात्रि आरंभ हो रही है। इस नक्षत्र की वजह से अगर आप इस शिवरात्रि में पूजा उपासना करते हैं तो आपके चंद्र की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। और अगर आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है, कोई बुरा योग है, तो उससे भी निजात इस शिवरात्रि पर मिल सकेगा। क्योंकि सारे योगों के पीछे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का ही नक्षत्र है। इसलिए अगर इस नक्षत्र में आप पूजा उपासना प्रार्थना करेंगे तो कुंडली के जो बुरे योग हैं वो योग समाप्त होंगे। पांचवा महासंयोग क्या है? पांचवा महासंयोग है पंच महापुरुष योग। ज्योतिष में पांच सबसे बड़े योग माने जाते हैं, जिन्हें पंच महापुरुष योग कहा जाता है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस बार की शिवरात्रि पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। पहला शनि का शश नामक महायोग बन रहा है, दूसरा शुक्र का मालव्य नामक योग बन रहा है, और तीसरा बृहस्पति का हंस नामक महायोग बन रहा है। इन पंच महापुरुष योगों के होने से शिवरात्रि शुभता से भर गई है। तीन तीन प्लेनेट, वो भी बहुत ताकतवर, बृहस्पति, शनि, शुक्र, वो भी प्रचंड अवस्था में, प्रबल अवस्था में आ गए हैं, और शिवरात्रि पर इतने ज्यादा मजबूत होंगे कि शिवरात्रि पर शुभता ही शुभता रहेगी। बहुत ही अच्छा अवसर होगा इस बार की शिवरात्रि पर इन तीन ग्रहों से पूरा पूरा फायदा लिया जा सकेगा, पूरा पूरा लाभ लिया जा सकेगा। और खास तौर से बृहस्पति को ठीक रखना है, शनि को ठीक रखना है, या शुक्र को ठीक रखना है, तो उससे फायदे और भी ज्यादा होंगे। अब बताते हैं छठवें महासंयोग के बारे में, जिसके बारे में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 59 साल बाद महासंयोग बना है। छठवां महासंयोग क्या है? इस बार की शिवरात्रि पर स्वगृही शनि, यानी अपने घर में बैठा हुआ शनि, और चंद्रमा का संयोग बन रहा है। शनि चंद्र इस बार की शिवरात्रि पर एक साथ हैं, और उसमें भी शनि अपने घर में है और चंद्रमा अपने नक्षत्र में है। शनि एक तरफ शश योग बना रहा है,
क्योंकि मकर राशि में बैठा हुआ शनि पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसे शश योग कहते हैं, और दूसरी तरफ चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन होने से विष योग भी बन रहा है। ये संयोग 59 वर्षों के बाद बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1961 के आसपास इस संयोग के बनने की स्थिति थी, और अब ये संयोग तकरीबन 59 वर्षों के बाद पुनः बन रहा है शिवरात्रि पर। देखिए, विष योग के बारे में आप जान लीजिए कि दुनिया में जितना भी विष है, जितनी भी निगेटिविटी है, उसका पान केवल शिव कर सकते हैं। आपके जीवन से विष को हटाने के लिए, विष का पान करने के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए केवल शिव ही आशीर्वाद दे सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए इस बार की शिवरात्रि पर चूंकि विष योग बना हुआ है, तो आप विष योग से छुटकारा पा सकते हैं, और अगर शनि से संबंधित कोई दुर्योग है, शनि से संबंधित कोई बुरा योग है कुंडली में, तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। और याद रखिए, ये दुर्लभ संयोग 59 साल के बाद बन रहा है शिवरात्रि पर, जिसमें आप विष योग को पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। और सातवां और अंतिम महासंयोग क्या है? इस बार की शिवरात्रि 2 दिन की शिवरात्रि है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2 दिन की शिवरात्रि है। कैसे? तकनीकी रूप से अगर देखें, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु का ध्यान रखें, तो इस बार शिवरात्रि 21 फरवरी को है, 21 फरवरी को है, लेकिन 22 तारीख को दिन भर चतुर्दशी रहेगी, इसलिए दोनों ही दिन शिव जी का पूजन किया जा सकता है। यानी 21 तारीख को शाम को 5:20 से शिव जी की पूजा शुरू की जा सकती है, और 22 तारीख को संध्या काल तक शिव जी की पूजा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी 21 को शाम को पूजा करके फायदा पा सकते हैं, और 22 को सुबह पूजा करके फायदा पा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा देखिए 21 तारीख की रात को होगा। लेकिन 21 को भी पूजा कर सकते हैं और 22 को भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको 2-2 दिन के बेहतरीन मौके मिल गए हैं। 21 को समय नहीं मिल पाया, शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाए, नहीं पूजा कर पाए, चिंता मत करिए, 22 को सुबह कर लीजिएगा। तो आपके पास 2-2 दिन का अवसर है। आप दोनों दिन खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके, खूब श्रद्धा करके अगर शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ किसी भी तरह का लाभ, चाहे विवाह का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, वो आपको आसानी से प्राप्त होगा अगर इस बार की शिवरात्रि पर आप यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो सबसे जो खास बात इस बार की शिवरात्रि की है, वो देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि 3-3 ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में हैं, बृहस्पति, शुक्र और शनि। साथ ही साथ चंद्र और शनि का विषयोग बना हुआ है, इसलिए ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा संयोग है कि इस बार की शिवरात्रि पर सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा देंगे शिव जी को, सिर्फ नमः शिवाय का जप कर लेंगे आप, तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।